नमस्कार। दिव्यांग शादी प्रोत्साहन के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म। कश्यप। प्रेस वार्ता। 48 करोड़ रुपए की लागत से नवीन महिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण मोबाइल कोर्ट व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई। हिंद संवाददाता, लखनऊ। शादी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपति को शादी प्रोत्साहन योजना के तहत 35,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती थी, परंतु दिव्यांग दंपति को शादी का पंजीकरण करना आवश्यक था। इससे दिव्यांगजनों पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ रहा था तथा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा था। इसलिए दिव्यांग दंपति को शादी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह बातें पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कही। गुरुवार को सचिवालय स्थित सभागार में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मोबाइल कोर्ट के माध्यम से विभिन्न जनपदों में राज्य दिव्यांग आयुक्त द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी आदि जनपदों में मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना जा रहा है। मोबाइल कोर्ट व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में छात्राओं की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए 48 करोड़ रुपए की लागत से नवीन महिला छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। महिला छात्रावास बन जाने के प्रदेश भर की दिव्यांग छात्रों को और अधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ के विभिन्न पाठ्यक्रमों बाटिके बीबीसी एमसीए आदि के अध्ययनरत कुल 112 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट सेल के माध्यम से विभिन्न कॉर्पोरेट कंपनियों में प्लेसमेंट कराकर एक बड़ी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित समस्त 16 विशेष विद्यालयों को अपनी उच्च स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था सहित कैंपस की उच्च स्तर प्रबंध प्रणाली के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 ISO 9001:2015 प्रमाणीकरण प्रदान किया गया है। इन विद्यालयों में गुणवत्ता पत्रक शिक्षा के लिए स्मार्ट कॉलेजेस की व्यवस्था की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु बजट में अतिरिक्त इस वर्ष 435 करोड़ की व्यवस्था की गई है व अन्य कार्यों के लिए 167 करोड़ की बजट में वृद्धि की गई है। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र व छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऐसे छात्रावासों के अनुरक्षण हेतु विशेष प्रयास कर 1.25 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था पहली बार कराई गई है। धन्यवाद। नमस्कार। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के कर्मियों पर बजट का संकट। बदहाली संत कबीर, निज संवाददाता। जिला अस्पताल के दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की बदहाली दूर करने के लिए मैन पावर आपूर्ति करने वाली
कार्यदायी संस्था बदल दी गई, दूसरी संस्था ने काम संभाल लिया, नए सिरे से कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। फिर भी कर्मियों को मनोदय न मिलने का पुराना रोग साथ नहीं छोड़ रहा है। यहाँ तैनात कर्मचारियों का 3.5 साल का मनोदय बाकी है। नई फर्म आने के बाद भी 7 माह से मनोदय नहीं मिला है। मनोदय न मिलने के चलते दिव्यांग पुनर्वास केंद्र पर संकट छाया है। दिव्यांग कल्याण पुनर्वास केंद्र से मनोदय न मिलने की काली साया हटने का नाम नहीं ले रही है। पुरानी फर्म को मनोदय का भुगतान नहीं होने की वजह से वह फर्म काम छोड़कर भाग खड़ी हुई। अस्पताल काम करने वाले कर्मियों का 3.5 साल का मनोदय बाकी है। उसके बाद बस्ती दिव्यांग कल्याण पुनर्वास केंद्र में मैन पावर आपूर्ति करने वाली दूसरी फर्म ने जिम्मेदारी संभाली। जिला स्तरीय कमेटी ने फर्म का चयन किया और शासन से इसे अप्रूव भी कर दिया गया। नई फर्म ने आने के बाद भी 7 माह से वेतन नहीं मिला है। इसकी वजह से दिव्यांग कल्याण पुनर्वास केंद्र पर काम करने वाले कर्मचारियों को परिवार चलाने के लाले पड़ गए हैं। अभी तक कर्मचारियों के वेतन के मद में बजट का आवंट नहीं हुआ है। केंद्र पर तैनात है 9 कर्मचारी। दिव्यांग कल्याण पुनर्वास केंद्र के संचालन के लिए 9 पद सुरजित है। इस केंद्र पर 1 फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, लिपिक सहायक, दिव्यांगों के लिए उपकरण निर्माण सहित कुल 9 पद सुजित हैं। दिव्यांग कल्याण अधिकारी का दावा, शासन से मांगा गया है बजट। नई फर्म आने के बाद भी 7 माह से मनोदय नहीं मिला। दिव्यांग कल्याण पुनर्वास केंद्र पर तैनात कर्मचारियों के वेतन मद में अभी तक बजट नहीं मिला है। वेतन दिए जाने की दिशा में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा रहा है। शासन से जो आपत्तियां लगाई गई है उसे दूर किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही वेतन मद में बजट आवंटित हो जाएगा और सभी को समय से वेतन दे दिया जाएगा। प्रिया यादव, दिव्यांग कल्याण अधिकारी, धन्यवाद।